हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज मैं आप लोगों को आगे के 66 नंबर से क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि 65 तक मैंने पूरे करा दिए हैं। और एशियन प्रोपोर्शन महेश मिश्रा का जो पहला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और सेकेंड पार्ट तक के 65 तक क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 66 से कराने हैं, और कल में हमारा शायद पूरा खत्म हो जाएगा जो 86 तक क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो न देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं, हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 66 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को, 30% छोटे लड़के को दिया। शेष राशि को वह क्या 3/5/2 के अनुपात में बांटकर 3 ट्रस्ट ABC में जमा कर दिया। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हमने मान लिया कि कुल आय कितनी है, जो उनकी कुल आय है वो 100 है। कुल आय मान लिया हमने 100 है। फिर क्या करता है, अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को, तो बड़े लड़के को जो मिला है वो कितना मिला है, बड़े लड़कों को मिला इसका 2/5। इसका 2/5 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 20 बार में 20 दूनी 40, मतलब बड़े लड़के को मिल गया 40। फिर 30% छोटे लड़के को, मतलब इसका 30% कितना 30, तो छोटे लड़के को कितना मिला, छोटे लड़के को मिल गया 30। फिर क्या कहा गया है, शेष राशि को वह 3/5/2 के अनुपात में बांट देता। अब 40 ये 30 ये 70, तो शेष कितनी बची, शेष राशि बची 30, और इस 30 को इस उसने ट्रस्ट में ABC के नाम 3/5/2 के अनुपात में जमा कर दिया है। तो ABC ये क्या है, ये ट्रस्ट है। ABC को 3 रेशियो में उसने जमा किया है, वो भी रेशियो कितना है 3:5:2। अब आप बताइए यहाँ कितना शेष बचा 30, और हमारे हिसाब से 5 × 3 = 8 = 10, तो 10 = 30 के, तो 1 = 3 के, 1 = 3 के, तो ए में कितना जमा किया 3 × 9, बी में कितना जमा किया 3 × 5 = 15, और सी में कितना जमा किया 3 × 6, कितना जमा किया 9, 15 और 6, इतना जमा कर दिया। फिर उसके बाद हमसे कहा किया गया है, यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियों में 2000 रुपये का अंतर हो, तो दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियों में यहाँ पे कितना अंतर है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से तो अंतर हो गया 10 का। हमारे हिसाब से जो अंतर है वो कितने का है, वो अंतर है 10 का, और क्वेश्चन में कितना 2000, तो 1 का मान कितना 200 के। जब 1 का मान 200 का आ गया, फिर उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, तो वह सी में कितने रुपए जमा करता है, तो जो ट्रस्ट सी है उसमें वह कितने रुपए जमा करता है हमसे ये पूछा है। तो जब 1 का मान 200 है और सी का जो वैल्यू है वो कितनी है 6 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 6 × 1200, हमारा ऑप्शन 4। फिर आइए चलते हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 67। हम लोग बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम भले लग जाए लेकिन आप लोग उसको शॉर्ट कर लेना टाइम को। मैं एक एक हर एक चीज़ एक एक पॉइंट बताता चलूंगा, जिससे आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर हल करते हैं। यह तय किया गया कि राशि 1170 रुपये को ABC के बीच 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाएगा, लेकिन गलती से 1/4, 1/3, 1/6 में बांट दिया गया, तो बी को कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, हमसे ये पूछा गया है। तो पहले क्या था, 1170 राशि को ए बी और सी में कितने अनुपात में 4:3:6 में बांटना था, वो भी कितने रुपए 1170 रुपए, 4 × 3 = 7 = 6 = 13, 13 को कितने में बांटना था 1170 में, तो 1 की वैल्यू 13 × 9 = 117, 1 की वैल्यू 90 आ गई, तो 9 × 4 = 36, 360, 9 × 3 = 27, 270, 9 × 6 = 54, 540, मतलब जब इतने इतने रुपए में बांटना था तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, उसको मिलेंगे 360, 270 और 540। लेकिन जब क्वेश्चन में उसने क्या किया, उस पर्सन ने गलती कर दी, जब उसने गलती कर दी गलती से, तब ए बी और सी को कितना मिला 1/4 × 1/3 × 1/6। फिर आप लोग जानते हैं कि कभी भी रेशियो अंश अपॉन हर में नहीं होता या भिन्न में नहीं होता, तो उसको सही से लिख लेते हैं। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 12, हमारा एलसीएम इन सब का कितना आ जाएगा 12, तो 4 × 3 = 12, 6 × 12, ये हमारा नया रेशियो बन गया 3:4:2। अब हमें किस में बांटना है, इस रेशियो में बांटना है,
3, 4, 7, 2, 9 राशि कितनी थी 1170, तो 9 की वैल्यू 1170 के, तो एक का मान कितना आ जाएगा, ये कितना 9 एकम 9 और ये बचा कितना 9, 2, 11, 2, 3, 27 कितना 130 के। तो अब इनके मान निकाल लेते हैं कि इन लोगों को कितना कितना मिला, 13, 3, 39 का मतलब 390 मिला, फिर 13, 4, 52 मतलब 520 मिला, 13, 2, 26 मतलब 260 मिला। आगे हमसे क्या कहा गया, बी को कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, पहले बी को कितने मिल रहे थे 270, फिर बी को मिले कितने जब गलती हो गई 520, तो माइनस कर देते हैं, तो बी को कितने मिले, बी को जो मिले वो हमें निकालना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, 520 में से 270 घटा देंगे, हमसे यही पूछा गया कितने ज्यादा मिले, तो 12 में 7 गए 5 और यहाँ बचा 4, 4 में 2 गए 2 कितने ज्यादा मिले 250 रुपए ज्यादा मिले। उसके बाद आगे चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, यह निश्चित किया गया कि 3 लगातार दिन के होटल का बिल ए बी तथा सी क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में भुगतान करेंगे, लेकिन ए 116 बी 175 तथा सी 159 रुपए का भुगतान किया, तो 3 लोग थे ए बी तथा सी और वो होटल का भुगतान लगातार 3 दिन का 4, 5, 6 के अनुपात में करेंगे, तो 4, 5 और 6 के अनुपात में करेंगे, लेकिन ए ने कितना किया 116 किया, वो भी किसने, ए ने, बी ने कितना किया 175 और सी ने कितना किया 159, इन लोगों ने टोटल कितना किया, इन लोगों ने जो टोटल किया वो कितना किया 6, 5, 11, 9, 20, 7, 5, 12, 1, 13, 2, 15, 3, 2, 5, 3, 1, 4 इन लोगों ने टोटल भुगतान कितने कर दिया 450 रुपए का, और हमारे हिसाब से टोटल कितना है 6, 4, 10, 6, 4, 10, 5, 15 हमारे हिसाब से 15, तो 15 की वैल्यू कितने के 450 के, 1 की वैल्यू कितने के 30 के, लेकिन जब 1 की वैल्यू 30 की तो 4 की वैल्यू 120 करने कितने चाहिए थे, 120, 150 और 180 30, 5, 150, 30, 6, 180 करने चाहिए थे 120, 150, 180 लेकिन ए ने कितना किया है, ए ने जो भुगतान किया था वो कितना किया था, ए ने भुगतान किया था 116 रुपए का, जो भुगतान किया कितना 116 का, बी ने कितना किया 175 और सी ने कितना किया 159। अब इसमें कहा गया बी को ए और सी से कितने रुपए वापस चाहिए, बी को भुगतान करना था कितना 150 रुपए का, लेकिन उसने भुगतान कर दिया कितना 175 रुपए, कितने ज्यादा कर दिए 25 रुपए, तो उसको ए और सी से कितने रुपए चाहिए 25 रुपए अभी और चाहिए, क्योंकि उसको 150 का ही भुगतान करना था हमने जो निकाला, लेकिन उसने भुगतान किया 175 का जो क्वेश्चन में कहा गया है, तो 25 रुपए अभी ए और सी से और चाहिए, तभी तो उसका बराबर होगा क्योंकि उसने उतने ज्यादा दे दिए हैं। फिर आगे चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, एक लड़का को किसी राशि का 1/4 भाग मिलता है तथा शेष का 1/5 भाग लड़की को मिलता है। चलो इतना सॉल्व कर लेते, पहले लड़का मतलब बॉयज और गर्ल्स है, और कोई राशि हमने इनके हर के बराबर हमेशा कहा है कि एलसीएम लेके मान लिया करिए, तो टोटल मान लिया हमने कितना 20, टोटल मान लिया 20, कहा गया कि किसी राशि का 1/4 भाग मिलता है बॉयज को, तो 20 का 1/4 कितना 5 तथा शेष का 1/5 भाग लड़की को मिलता, 5 इसको मिल गया, 20 था टोटल, तो अब शेष बचा कितना, शेष बचा है हमारा 15 और उसका 1/5 भाग किसको मिलता है लड़की को, 5 से 15 मतलब लड़की को मिला कितना 3। फिर क्या कहा गया है, शेष राशि को 1 और 1 के अनुपात में बांट दी जाती है, टोटल राशि कितनी थी 20, 5 इसको मिल गया 3 इसको मिल गया, अभी बची कितनी 12 बची है, और उसको कितने 1 अनुपात 1, तो 2 की वैल्यू 12 के, तो 1 का मान 6 के, तो दोनों को 1 अनुपात 1 मतलब अभी 6 और मिल जाएगी, तो इन लोगों को 6 और 6 और मिल गया, अब इन लोगों का टोटल कितना हो गया, इसको मिला 11 और इसको मिला कितना 9, इन लोगों को मिला 9, तो दोनों द्वारा प्राप्त कुल राशियों में क्या अनुपात है, कुल राशियों में कितना अनुपात है 11:9, इन लोगों को इतना ही तो मिला, तो कितना आ जाएगा अपना ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद चलते हैं हम लोग 70 नंबर 17 नंबर, 7800 रुपए को राम श्याम और मोहन के बीच के अनुसार 6, 9 और 12 के विलोमान अनुपात में बांटना है। आप लोगों को बस ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, ये जो है हम लोगों के पास राम श्याम और मोहन, उनको 6, 9, 12 के विलोमानुपात, 6 का विलोमानुपात क्या होगा, मतलब उसका उल्टा 1/6, 9 का 1/9
और 12 का 1/12। और हमने आपको बताया कि जो भी भिन्न होती है वो कभी अंश अपॉन हर में या भिन्न में नहीं होती है, जो भी रेशियो होता है वो अंश अपॉन हर में नहीं होता है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या, सही से लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, तो 36 नौ चौको 36 और 12 36, ये हमारा रेशियो बन गया। हमारे हिसाब से टोटल कितना 6 4 10 3 13 और क्वेश्चन में कितना 7800। एक की वैल्यू 6 78 600 आ गई। हमसे पूछा गया है बांटने पर मोहन को कितनी राशि मिली, तो मोहन को कितनी राशि मिली 3, तो एक का वैल्यू 600 गए तो 3 की मान 1800 गए। तो मोहन को कितनी वैल्यू मिली, कितने रुपए मिले 1800 रुपए, ऑप्शन फर्स्ट मोहन को 1800 रुपए मिले, ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। 71 में क्या कहा गया है, 5670 रुपए ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि जब ए को 6 रुपए मिलता है, बी को 10 रुपए मिलता है और बी को सी का 80% मिलता है, तो सी को डी का 2/3 भाग प्राप्त होता है, डी को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। हमसे ये क्वेश्चन कहा गया है, इसको मैं आप लोगों को सही से दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिखा नहीं होगा। ये क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर, 5670 रुपए इन लोगों के बीच बांटने हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटते जाते हैं कि जब ए को कितना मिलता है 6 रुपए और बी को कितना मिलता है 10 रुपए मिलता है और बी को सी का 80%। इसको हम साइड में सॉल्व कर देते हैं, तो बी को जो रुपए मिलते हैं वो कितना, सी का 80% मिलता है, 80/100। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 से 0 2 4 8 और 2 5 10, सी को इसके नीचे ले आएंगे तो बी अपॉन सी बराबर कितना आ जाएगा 4/5। तो बी का मान 4 और सी का मान 5, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये इनका रेशियो था और ये बी और सी का रेशियो है, वो कितना है 4:5। फिर क्या कहा गया है, सी को डी का 2/3 भाग प्राप्त होता है, तो सी को डी का 2/3 भाग प्राप्त होता है, डी को इधर ले आएंगे तो सी अपॉन डी बराबर कितना 2/3, सी को मिला 2 और डी को मिला 3, तो सी को डी का कितना 2:3 भाग मिलता है। अब आप लोगों को पता ही है कि ए बी सी डी आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले क्या करते हैं आप लोग इन दोनों को लेके चलते हैं, इन दोनों को लेंगे तो कॉमन वाला बीच में रहेगा, मतलब क्या निकल के आएगा, ए बी और सी का वैल्यू निकल के आएगी। हमने आपको बताया जो पहला वाला हो उसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए और बाद वाला का बाद के साथ, तो 4 का मल्टीप्लाई 4×6=24, 4×2=40 और बाद वाले का बाद के साथ 5×2=50। अब हमने आपको बताया जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो, सी अनुपात डी बच्चा वो भी 2:3 में। अब इसको जो हम लोग लिखेंगे तो क्या बन के आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात टी, ये बनेगा क्योंकि जो पहले होता है कॉमन उसको वहीं पे लिख लेते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 24×2=48, पहले हम लोग पहले वाले का सबके साथ गुणा कर देते हैं, 40×2=80 और 50×2=100, इतना आ गया। और लास्ट वाले का लास्ट के साथ 50×150, तो लास्ट वाले का लास्ट के साथ करा देते हैं, तो हमारा ए बी सी और डी का रेशियो आ गया। फिर अभी ये 2 से कट जाएगा, सब इसको हम काट देते हैं, 2 से काटने पर कितना बचेगा 24, ये 40 और ये 50 और ये कितना बचेगा 75। अब इसके बाद तो कुछ कट नहीं रहा है, तो इन सब का टोटल 5 4 9 7 5 12 4 16 2 18, इन सब का टोटल कितना आ गया, इन सब का टोटल आ गया 189 और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5670, क्वेश्चन में कितना 5670। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू जो हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी 30 बार पूरा कट जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 3×9=27, 3×8=24, 2×26, 3×1=3, 2×5 30 से हो गया, एक की वैल्यू आ गई 30 की। हमसे कहा गया डी को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो डी को 75 प्राप्त हुए और बी को 40 प्राप्त हुए, कितने ज्यादा अधिक प्राप्त हुए बी से 35 प्राप्त हुए। तो एक का मान अगर 30 है तो 35 का मान कितना आ जाएगा, 30×35 जब लोग मल्टीप्लाई करेंगे 35×105 कितना आ जाएगा 1050 रुपए, ऑप्शन सेकेंड। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 में देख लेते हैं पूरे एक एक सॉल्व करते हैं और शायद इसके बाद कल वाले लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा पोर्शन एंड हो जाएगा जो हमारा रेशियो का है। तो आप लोग जरूर वीडियो से देख लें, पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वीडियो जरूर देख लें। आई चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है 72 नंबर, 3650 रुपए को 2 भागों में
इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 2/5 भाग और दूसरे भाग का 3/4 भाग में क्रमशः कितने का अनुपात है, 6:7 का अनुपात है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा इन दोनों में जो रेशियो है वो कितना है, वो है 3650 रुपए को दो भागों में बांटना है। तो हम लोग इसको बांटते हैं, तो पहला भाग क्या है, पहला भाग हमने मान लिया कितना x, और दूसरा भाग कितना मान लिया, दूसरा भाग हमने मान लिया y। पहला भाग x है, दूसरा भाग y है, तो पहले भाग का 2/5 भाग मतलब x का 2/5 भाग और दूसरे भाग के 3/4 भाग में, तो जो कहा गया है इनमें अनुपात है, तो दूसरा भाग कितना y, इसके 3/4 भाग में अनुपात कितना दिया है, 6:7 का। तो जो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम इतना पोर्शन और इसका, क्योंकि इतना इससे ही हम लोग रिलेट करते हैं, तो ये जब उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 6/5/2, ये पलट जाएगा तो 2 × 6, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ, क्योंकि x का मान ये है, y का मान ये है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे y बराबर ये कितना आ जाएगा, 7/3/4, ये उधर जाके पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3। जो हम लोग ये y गुड़े 3/4 है तो उधर हो जाएगा 4/3, तो इसका रेशियो जो आएगा कितना आ जाएगा, 7/6 / 28/3, ये हमारे सब रेशियो में ही दिए थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए कभी भिन्न में होता नहीं, तो आप लोग जो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लोग तिरछा गुणा करा देते हैं, 15 × 45 और 28, तो जो हमारा रेशियो आ गया वो कितना, 45:28 का। अब तो ये हम लोगों का कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट 45:28। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे 6:5:4 के अनुपात में हैं, तो एक गांव में पुरुष महिलाएं और बच्चे, हम लोग उसी नाम से लिख दिए, कितना 6:5 और 4 के अनुपात में, हम लोग x मान लेते हैं कि 6 × 5x और 4x के अनुपात में है। फिर यदि 40 पुरुष और 20 महिला तथा 120 बच्चे गांव में आ जाएं, तो उनकी संख्या 4, 3, 5 के अनुपात में हो जाएंगी, आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे। ऐसे क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों को करना बताया है, आप लोग सिर्फ क्या करिए, सिर्फ दो दो ले लीजिए, या तो ये दो ले लीजिए, ये तो ये दो ले लीजिए, ये तो ये दो ले, कोई भी दो ले लीजिए। हमने पुरुष और महिलाएं ले ली, पुरुष कितने 6x और महिलाएं कितनी 5x, तो हम लोगों को आगे भी लेना पड़ेगा पुरुष महिलाएं, 40 पुरुष तथा 20 महिलाएं आ गई, तो 40 पुरुष आ गए और 20 महिलाएं आ गई, हमने जोड़ दिया। अगर हम यहाँ पे पुरुष और बच्चे लेते तो हम लोग क्या करते, 40 पुरुष और 120 बच्चे, या 120 लिखते, पर हमने पुरुष और महिलाएं ले ली हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात 4:3:5 हो जाता है, लेकिन हमने पुरुष और महिला लिया है, तो पुरुष और महिला का अनुपात लेंगे कितना, 4:3। आप लोग पुरुष बच्चे ले सकते हैं, महिलाएं बच्चे लेके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 × 18x + 120 बराबर 5 × 20x प्लस का 20 × 80। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 18 को इस साइड ले आएंगे तो कितना माइनस में आ जाएगा, कितना 2x बचेगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो इससे घट जाएगा, कितना 46 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा निकल के आ गया 20 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमसे पूछा गया है कि आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे, आरंभ में पुरुष कितने थे 6x, तो हमें पुरुष की वैल्यू चाहिए, पुरुष आरंभ में कितने थे 6x, x की वैल्यू 20, तो 20 × 120, आरंभ में पुरुष कितने थे 120, ऑप्शन 4। आप लोग पुरुष और बच्चे लेके या महिलाओं और बच्चे लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें उसी हिसाब से महिला और बच्चे की वैल्यू लेना होगा और यहाँ महिला और बच्चे का अनुपात लेना होगा, आंसर आपका इतना ही आएगा। फिर आगे चलते हैं, लोग 74 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 74 में क्या कहा, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप लोगों के होने ही चाहिए एक दिन में। तो आइए चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 3 बर्तनों में दूध तथा पानी के मिश्रण 4:5:8 के अनुपात में है, प्रत्येक बर्तन में दूध और पानी 5:3:4:3:2:1 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण को लेकर मिलाया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये दूध और पानी के ये 3 बर्तन है, इससे हमने क्या किया, 1-1 लीटर निकाल लिया, हमने क्या किया, प्रत्येक बर्तन से 1-1 लीटर निकाल लिया, 3 बर्तन है, तीनों बर्तनों से 1-1 लीटर निकाल लिया, फिर 1-1 लीटर हम लोगों ने प्रत्येक बर्तन से निकाल लिया, और फिर हम लोग क्या करते हैं, दूध की मात्रा 1-1 लीटर लिया और निकाला क्या हमने,
तो दूध की मात्रा निकाल रहे हैं, तो दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। तो अब बताइए, दूध तथा पानी का रेशियो 5:3, 4:1, 2:3, मतलब दूध 5 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है, और प्रत्येक से हमने एक एक निकाला है, तो दूध निकाल लेते हैं हम लोग, दूध कितना आएगा। तो अब आप बताइए, केवल ये रेशियो दिया गया है, पहले 5 और 3, तो इसमें दूध कितना है, दूध है 5 और टोटल कितना है 8, और हमने निकाला कितना था, 1 लीटर निकाला था, 1 लीटर में। फिर दूसरा रेशियो 4 है, इसमें दूध कितना है, 4 है और टोटल मिश्रण कितना है, 5 है और मात्रा कितनी थी, 1 थी। फिर तीसरा जो बर्तन है उसमें दूध कितना है, 2 है और जो टोटल मिश्रण है वो कितना है, 5 है और एक हम लोग एक मात्रा निकाली थी, तो हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 5/8, 4/5 प्लस का 2/5। हम लोग जब इसको सोल्व करते हैं तो जो नीचे का रेशियो आएगा वो जो नीचे का एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ 40 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 40 करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 40 करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई, तभी तो हमारा रेशियो बराबर आएगा। तो 25 प्लस 8 + 4 = 32 प्लस 8 × 2 = 16। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 × 2 = 8, 5 = 13 और 3 × 4 = 2 = 6। तो हमारा जो 6 × 7 = 73, 73/40, ये हमारा क्या निकल के आ गया है, ये हमारा निकल के आ गया दूध, 73/40 है। लेकिन हमने टोटल मिश्रण कितना निकाला था, 3, तो हमें पानी की वैल्यू चाहिए, तो पानी कितना होगा, पानी कितना होगा, टोटल मिश्रण था हमारे पास 3 और उसमें हमने दूध निकाला 73/40, तो हमने टोटल मिश्रण में जब दूध को घटा देंगे तो पानी निकल आएगा, 40 + 3 = 120 में 73 गए कितना बचेगा, 47, तो कितना बचा, 47/40 बचा। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है कि उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है, तो दूध हमारा कितना है, 73/40 और पानी कितना है, 47/40। तो ये और ये कट जाएंगे तो जो रेशियो आ गया कितना, 73 और 47 का ऑप्शन थर्ड, हमारा रेशियो कितना, 73 और 40 आ गया। फिर आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 नंबर। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई है, तो किसी फैक्ट्री में जो मजदूरों की संख्या वो कितनी, 10 से 9 कर दी गई। फिर प्रत्येक की मजदूरी को जो मजदूरी है वो कितना, 4 से 5 में बढ़ा दिया गया है, 4 से 5 में बढ़ा दिया गया है। तो हमने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन बताया, तो इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 10 * 6 = 40, 9 * 45, तो उनकी जो टोटल कुल मजदूरी हो गई, कुल मजदूरी वो कितनी हो गई, 40 से 45 बढ़ गई। हमें क्या कहा गया, पहले की कुल मजदूरी 3600 हमारे पास पहले कितनी थी, 40 से 45 हो गई है, पहले कितनी थी 40 और क्वेश्चन में कितनी, 3600, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 1 का मान कितना, 4 × 9 = 36, 1 का मान 90। हमसे पूछा गया बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी 90 × 45, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 9 × 45, 0 वाला 0 आ जाए, 9 × 45, 9 × 6 = 36, 36 × 4 = 40, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना, 40 = 50 रुपए। ये इस कॉन्सेप्ट का बढ़िया मेथड है, आप लोग बस इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन सरल हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आप लोगों को, तो आप लोग जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं, आज हमारा वीडियो लंबा हो रहा है तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। मैं महेश मिश्रा का पूरा बुक सॉल्व कराने वाला हूँ, एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोनों, अभी अर्थमेटिक चल रही है और जल्दी जल्दी अर्थमेटिक खत्म कर दूंगा, क्योंकि अभी CHSL का पेपर लगा हुआ है और लेखपाल भी आ जाएंगे जल्दी जल्दी, तो इस लॉकडाउन में मुझे महेश मिश्रा खत्म कर देनी है। फिर राकेश यादव सर 7300+ बुक खत्म करनी है, जो अभी न्यू वाली अपडेशन है 9300 वाली, उसको खत्म करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं कल आगे के नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।